तीन तलाक बिल को लेकर आज भी राज्यसभा में गहमा गहमी का दौर जारी रहेगा। इससे पहले कल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के विरोध के चलते तीन तलाक बिल राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के हंगामे के बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। अब केंद्र सरकार के पास राज्यसभा से इस बिल को पास कराने के लिए सिर्फ आज का ही दिन बचा है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। इससे पहले गुरुवार को हंगामे की वजह से बहस आधे घंटे भी नहीं चल सकी थी। गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर बहस शुरू हुई। सबसे पहले सपा नेता नरेश अग्रवाल ने सभापति से कहा कि वो बिल को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर करें ताकि पूरे सदन की राय पता चल सके। इसके बाद सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, जो बिल लाया गया है वो हम उसके खिलाफ है। इसके जवाब में सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि लाए गए दोनों प्रस्ताव वैध नहीं है। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया।